नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीसी पैनल का प्रोटेक्शन एंड मीटरिंग के बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किए थे पीसीसी पैनल को हम लोग कैसे मीटरिंग करते हैं एंड प्रोटेक्शन करते हैं। तो मीटरिंग में और प्रोटेक्शन में कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं, रिले यूज़ करते हैं, तो ए टू जेड हम लोग ने डिस्कस किए थे। वो वाला वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग खाली देखेंगे एमसीसी पैनल के बारे में, मीटरिंग एंड प्रोटेक्शन हम लोग कैसे करते हैं और कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं। ओके, तो मेरा नाम है पंकज और आप लोग देख रहे हैं द इंजीनियरिंग वाले यूट्यूब चैनल। तो फिर चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग का सामने यहाँ पे एक एमसीसी पैनल है, जो फुल फॉर्म होता है मोटर कंट्रोल सेंटर, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं जो छोटा छोटा फीडर है, ये सब मोटर फीडर है, जो कि हम लोग का फील्ड में जो मोटर चलता रहता है, ये सब ड्यूअल फीडर है या आरडीओएल फीडर है। तो ये डिफरेंट फीडर है, एक एक स्टार्टर है मोटर को चलाने के लिए। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं बेल कन्वर के लिए है, ठीक ना। बेसिकली एमसीसी पैनल से मोटर को कंट्रोल किया जाता है। ओके, इसका मेन एसी भी यहाँ पे है, एयर सर्किट ब्रेकर, ये मेन इनकमर है। और ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं प्रोटेक्शन और मीटरिंग का कंट्रोलिंग ऊपर दिया गया है और जो ब्रेकर है नीचे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा पैनल का ओवरव्यू। तो अभी थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं जो एमसीसी का जो मेन इनकमर है, यहाँ पे पावर कहाँ से आ रहा है। ओके, थोड़ा सा बेसिक देखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने जो पीसीसी वाला जो वीडियो था उसमें पूरा डिटेल में बात किए थे कि पीसीसी पैनल पे कैसे पावर आ रहा है, देन पीसीसी पैनल से एमसीसी पैनल पे कैसे पावर जा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग का एचटी पैनल है, जो कि 6.6 केवी वोल्टेज आ रहा है यहाँ पे हम लोग का पावर प्लांट से, ठीक है। देन वहाँ से फिर ये वाला पैनल से नीचे जाता है, यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन टाइप ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। एसटी को एलटी में कन्वर्ट कर रहा है 415 वोल्ट पे। फिर यहाँ से सीधा आ रहा है हम लोग का पीसीसी पैनल पे, पीसीसी का जो फुल फॉर्म होता है पावर कंट्रोल सेंटर। ओके, और यहाँ से देन पीसीसी से एमसीसी पैनल पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मेन डिस्ट्रीब्यूट पीसीसी पैनल ही करता है। ओके, तो वाला वीडियो जाके देखिए, बहुत ही मतलब डीपली डिस्कस किए थे, समझ में आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, एमसीसी फीडर है पीसीसी का, मतलब एमसीसी ऑन। अभी हम लोग ये जो ब्रेकर जो है, इस ब्रेकर अगर हम लोग ऑन करेंगे तो इसका बगल में ही साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे ये वाला है एमसीसी पैनल, यहाँ पे पावर आ जाएगा। और उस साइड में देख सकते हैं दोस्तों, वो वाला उसका मेन इनकमर है एमसीसी पैनल का, वहाँ पे इनकमर है और यहाँ से ये आउटगोइंग है, ठीक है। जब हम लोग इसको ऑन करेंगे तो एमसीसी पैनल पावर चला जाएगा, पैनल जो है चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए, प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे दिया गया है फीडर में एक मल्टीफंक्शन मीटर है, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज, एम्प्स, पावर फैक्टर, केडब्ल्यूएस वगैरह सब कुछ यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये वाला मल्टीफंक्शन मीटर है। और यहाँ पे एक माइकम रिले दिया गया है, सनाडर इलेक्ट्रिक का है, P111 मॉडल है, ठीक है। और ये TNC स्विच है, ये जो ब्रेकर है इसको ऑन ऑफ करने के लिए रिमोटली। और यहाँ पे देखिए इंडिकेशन है, ACV ओपन का लिखा है, ACV क्लोज लिखा है, ACV ट्रिप और पैनल स्पेस हीटर ऑन इंडिकेशन है। ओके, अगर ब्रेकर बंद रहेगा तो ये वाला इंडिकेशन जलेगा, अभी ब्रेकर ऑन कंडीशन पे है। अगर ब्रेकर क्लोज रहेगा, ऑन रहेगा, तो ये वाला देखिए अभी ब्लिंक हो रहा है, मतलब जल रहा है। ACV क्लोज मतलब ये ऑन कंडीशन पे है। अगर ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा किसी भी टाइप का फॉल्ट से, ओवर करंट से या अर्थ फॉल्ट से, तो ये वाला जो ACV ट्रिप, ये वाला इंडिकेशन जल जाएगा। अगर हम लोग ये पैनल थोड़ा बंद ही कर देंगे तो ये जो पैनल स्पेस हीटर है ये वाला ऑन हो जाएगा, मतलब एक अंदर पे एक हीटर लगा हुआ है कि मॉइस्चर वॉइस्चर ना पकड़ ले, उसी अंदर पे एक छोटा छोटा हीटर रहता है, ठीक है, पैनल जो जिसको बोला जाता है पैनल स्पेस हीटर। ओके दोस्तों, और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, LNT मेक का एयर सर्किट ब्रेकर है, रेटिंग जो है 800 एम्स, यहाँ पे देख सकते हैं 800 एम्स है, और ये वाला ऑन कंडीशन पे अभी है। तो दोस्तों, यहाँ से जब हम लोग ऑन करेंगे तो सीधा पावर चला जाएगा हम लोग का एमसीसी पैनल पे। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये एमसीसी पैनल है, यहाँ पे पावर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जब पावर आएगा, आने के बाद जब हम लोग इसको ऑन करेंगे, ऑन करते ही यहाँ पे ऊपर में टोटल कॉमन बजवर होता है, टोटल बजवर चार्ज हो जाएगा और सब पूरा जो पैनल है, पूरा फीडर हेल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग समझ लेते हैं मीटरिंग में, यहाँ पे क्या क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा है मीटरिंग, ठीक है। तो देखिए मीटरिंग में यहाँ पे क्या क्या डिवाइस यूज़ किया गया है मीटरिंग के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे एक है डिजिटल वोल्ट मीटर, यहाँ पे हम लोग वोल्टेज देख सकते हैं कि कितना वोल्टेज आ रहा है, क्या है, ठीक है। और जस्ट उसका नीचे यहाँ पे एक सिलेक्टर स्विच दिया गया है, जैसे कि ROI
YB और BR फेज में कितना वोल्टेज आ रहा है, मतलब कौन सा फेज में कितना वोल्टेज आ रहा है, हम लोग यहाँ पे रोटेट करके देखिए चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला सिलेक्टर स्विच है। ठीक है फ्रेंड्स, और जस्ट उसका बगल में यहाँ पे दिया गया है मल्टीफंक्शन मीटर। ये थोड़ा खराब हो गया इसलिए इसका डिस्प्ले नहीं आ रहा है, हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग वोल्टेज, एम्पियर, पावर फैक्टर, KWH, KVH सब कुछ यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे है एमीटर, जैसे कि डिजिटल एमीटर है, हम लोग एम्स चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। जस्ट उसका नीचे वहाँ पे एक सिलेक्टर स्विच है, RYB, तीनों फेज में कितना एम्पियर है, हम लोग इसको ऐसे घुमा घुमा के चेक कर सकते हैं कि कितना एम्स यहाँ पे ले रहा है। ये वाला पैनल टोटल एम्स यहाँ पे शो करेगा, टोटल पैनल का। ठीक है, और जस्ट उसका बगल में यहाँ पे दिए गए माइकॉम P111 मॉडल का स्नाइडर इलेक्ट्रिक का है मेक माइकॉम रिले। ये प्रोटेक्शन के लिए है, इसमें हम लोग प्रोटेक्शन करते हैं, ओवर करंट प्रोटेक्शन, देन अर्थफॉल प्रोटेक्शन, अनबैलेंस प्रोटेक्शन, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटेक्शन अंदर पे रहता है, हम लोग इसमें प्रोटेक्शन करते हैं। ठीक है, ये प्रोटेक्शन के लिए हम रिले यूज़ कर रहे हैं। ओके दोस्तों, और यहाँ पे है तीन इंडिकेशन RYB, मतलब यहाँ पे तीनों फेज आ रहा है कि नहीं यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे तीनों इंडिकेशन शो करता है, तीनों फेज अगर अवेलेबल होगा, शायद ये दो फेज अभी जल नहीं रहा है क्योंकि इंडिकेशन इसका भी थोड़ा प्रॉब्लम है, चेंज करना ज़रूरी है, कर देंगे। और सेम यहाँ पे देखिए ACB ओपन, ACB क्लोज, ACB ट्रिप, स्प्रिंग चार्ज्ड, ट्रिप सर्किट हेल्दी एंड स्पेस हीटर ऑन। ठीक है, जैसे कि ACB ओपन, अगर ACB ऑफ कंडीशन पे होगा तो ये वाला इंडिकेशन जलेगा, अगर ACB ऑन कंडीशन पे होगा मतलब क्लोज होगा तो अभी देखिए ये वाला इंडिकेशन जल रहा है, ACB ऑन कंडीशन पे है। अगर ACB ट्रिप होगा ओवर करंट में या अर्थफॉल में किसी भी कंडीशन में अगर ट्रिप हो जाता है तो यहाँ पे ये वाला इंडिकेशन जलेगा। स्प्रिंग चार्ज मोटर के लिए है। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा कि VCB के अंदर, ACB के अंदर एक स्प्रिंग चार्ज मोटर होता है जो कि स्प्रिंग को चार्ज करते हैं, उसके बाद हम लोग TNC से जो स्विच होता है उससे हम लोग ब्रेकर को ऑन करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए है, अगर स्प्रिंग चार्ज होगा, देखिए अभी स्प्रिंग चार्ज में है इसलिए भी ये जल रहा है, नॉर्मल है। ठीक है, और ये ट्रिप सर्किट हेल्दी, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एक ट्रिप सर्किट होता है, वो ट्रिप सर्किट हेल्दी है कि नहीं यहाँ पे इंडिकेशन होगा। ठीक है, ट्रिप सर्किट हेल्दी है इसलिए यहाँ पे लाइट नहीं जल रहा है, अगर अनहेल्दी होता तो फिर यहाँ पे जल उठता। ठीक है, और स्पेस हीटर ऑन के लिए है, जैसे कि आप लोगों को बोल रहा था पैनल के अंदर का मॉइस्चराइजर ना हो जाए, एक हीटर लगाया जाता है तो ये उसके लिए है। ठीक है, अगर ये टोटल जब हम लोग पूरा बंद कर देंगे तो स्पीडर ये वाला ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक सिलेक्टर स्विच है पैनल को ऑटो में और मैनुअल में देने के लिए, तो हम लोग इसको मैनुअल में सिलेक्शन करते हैं, आके इसको हम लोग मैनुअली ऑन ऑफ करते हैं, रिमोटली नहीं किया जाता है, बेसिकली PCC पैनल, MCC पैनल। और यहाँ पे ये जो है एक पुश बटन दिया गया है, ट्रिप सर्किट हेल्दी है कि नहीं वो चेक करने के लिए प्रेस करके चेक कर सकते हैं। और ये वाला जो है क्या TNC स्विच, TNC मतलब ट्रिप न्यूट्रल क्लोज। ठीक है, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, नीचे जो ब्रेकर ACB ब्रेकर रिमोटली ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, जब हम लोग इसको ट्रिप साइड घुमाएंगे तो ये ट्रिप हो जाएगा, जब इसको क्लोज साइड घुमाएंगे तो ये ब्रेकर क्लोज हो जाएगा, मतलब ऑन हो जाएगा ऑन ऑफ करने के लिए। ठीक है, अगर हम लोग इसको ट्रिप साइड घुमाते हैं तो ये ट्रिप साइड जाके नॉर्मली ये न्यूट्रल में आके बैठ जाएगा, ऑलरेडी देख सकते हैं न्यूट्रल में ऐसे पोजिशन होता है, जब इसको इधर घुमाएंगे ट्रिप में होगा फिर छोड़ देंगे फिर यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। ठीक है, फिर क्लोज में भी सेम, अगर ब्रेकर को क्लोज करना चाहते हैं क्लोज में ऐसे घुमाएंगे, जब छोड़ देंगे तो न्यूट्रल में ऐसे बैठ जाएगा, ऑलरेडी इसका जो रियल पोजीशन है न्यूट्रल में होता है। ओके दोस्तों, तो इतना कुछ मीटरिंग के लिए है, और नीचे इसका AC भी है, और प्रोटेक्शन के बारे में थोड़ा भी देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस जो माइकॉम रिल है इससे हम लोग प्रोटेक्शन करते हैं टोटल पूरा पैनल को, ये जो माइकॉम रिल है इससे प्रोटेक्शन हो रहा है। तो इसमें जो हम लोग पैरामीटर जो सेट करते हैं, तो दोस्तों देखिए किसी भी इंडस्ट्री में चला जाइए दो पैरामीटर सेट होगा ही होगा, एक तो ओवर करेंट और एक अर्थ फॉल्ट। ठीक है, अभी दूसरा इंडस्ट्री में अलग सेट हो सकता है, तो हम लोग का यहाँ पे मतलब ओवर करेंट और अर्थ फॉल्ट यूज़ किया गया है, जो टोटल जो पैनल है, ये जो पैनल है MCC पैनल को प्रोटेक्शन करने के लिए। ठीक है, अभी देखिए ओवर करंट कैसे काम करेगा, यहाँ पे देखिए 800 एम्स है, अगर देखिए ये जो ब्रेकर है 800 एम्स का है, अगर 800 से ऊपर जाता है तो ये ब्रेकर को ट्रिप करा देगा, जो माइकॉम रिल है। ठीक है, जो अर्थ फॉल्ट है, अगर किसी भी केबल में, किसी भी मोटर में, जैसे कि फीडर है, किसी भी मोटर में अर्थ फॉल्ट होता है, अगर बहुत ही हैवी अमाउंट में अर्थ फॉल्ट होता है तो ब्रेकर को ये ट्रिप करा देगा, वो माइकॉम रिले। ठीक है, तो माइकॉम रिले एक प्रोटेक्शन डिवाइस है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए फ्रेंड्स,
इसके अंदर में और डिफरेंट डिफरेंट प्रोटेक्शन है हम लोग दे सकते हैं, ठीक है, जैसे कि ओवर करंट तो हो गया, अर्थ फॉल्ट तो दो हो गया, देन वोल्टेज अनबैलेंस का दे सकते हैं, नेगेटिव सीक्वेंस का दे सकते हैं, ठीक है। तो बहुत कुछ इसके अंदर रहता है, तो हम लोगों ने दो चीज़ें एक्टिव करके रखे हैं, ओवर करेंट और अर्थ फॉल्ट, ठीक। तो हम लोगों ने यहाँ पे ओनली दो पैरामीटर्स एक्टिव करके रखे हैं, मतलब ओवर करेंट और अर्थ फॉल्ट, ठीक है। अब कोई भी इंडस्ट्री में चला जाइए, ये दो कॉमन प्रोटेक्शन होगा ही होगा, किसी भी टाइप का पैनल हो जाए इलेक्ट्रिकल साइड से, ठीक है, ओवर करेंट और अर्थ फॉल्ट, ठीक है दोस्तों। तो बस एमसीसी पैनल का बस इतना ही था कि एक मोटर कंट्रोल सेंटर होता है, यहाँ से फील्ड में जितना भी टाइप का मोटर चल रहा है ये एमसीसी पैनल से कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। और जो ये एमसीसी पैनल है टोटल पीएलसी के साथ कनेक्टेड है, हम लोग का जो डीसीएस रूम है, जो कंट्रोल रूम है, वहाँ से कमांड आता है और रिमोटली टोटली जो जितना भी फील्ड यहाँ पे देख सकते हैं ऑन हो जाता है, ठीक है। इसके ऊपर कभी बाद में वीडियो बना दूंगा, अगर आप लोग कमेंट करते हैं कैसे मतलब ऑन होता है, कैसे कमांड आता है, कैसे फीडर ऑन हो के फीडबैक जाता है, टोटल एड टू बना दूंगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर लाइक कर दीजिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।